सेक्स करने का भी कोई टाइम होता है क्या? फिलहाल मैं ढूंढ रहा था एक ऐसे एथलीट को जो कह रहा था कि यार मुझे बीट करो, लेकिन मैंने वहां पे जाके देखा कि यार कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है उसकी, और ये भाई साहब कुछ और ही कंटेंट बना रहे थे, जो ये बोलते हैं कि मैं कंटेंट बनाता हूँ, तुम मेरा रिमिक्स करते हो। तो इनका कंटेंट भी देख लीजिए, कॉन्टेस्ट के टाइम पे ये क्या कंटेंट बना रहे थे। सेक्स करने का भी कोई टाइम होता है क्या? वेल, जब दिल करे तब कर लो, बट अगर परफॉर्मेंस निकालनी है सेक्स से, सो द बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग, जब 6 से 8 घंटे की आपकी डीप स्लीप हो और आप सुबह उठो, दैट इज द बेस्ट टाइम। ढूंढ रहा था जी यार मैगी खाने वाले बॉडी बिल्डर कैसे दिखाई देते हैं, और जिन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला था बीट मी, आओ मुझे बीट करो, इतने से हो तुम लोग, तो मैं देखना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है वो लोग डर गए। और यार एक चीज बात बोलूं, डरने के बाद जो एक कमेंट पास किया है ना आप लोग, तुम तो आज 8 लाख रुपए जीतने वाले थे बिग फिट क्लासिक में। अच्छे तरीके क्या आज था? ओहो यार मेरी तो नींद ही नहीं खुली यार, I'm not a morning person यार, सुबह सुबह मुझसे उठा नहीं जाता यार, भाई कितने तो शाम को उठाऊं मैं यार, बट एनीवेज अगली बारी जीत लेंगे 8 लाख रुपए। भाई 8 लाख मैंने दिखाए तो थे, है तो सही हमारे पास 8 लाख रुपए यार, बट मे बी इट्स फॉर द अदर्स। तो जो भी कम्पीट कर रहे हैं बिग फिट क्लासिक, ऑल द बेस्ट। 8 लोगों ने कि यार मैंने 8 लाख रुपए तुम लोगों के लिए छोड़ दिए, देखिए ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, एक एथलीट पैसे के लिए नहीं खेलता, अगर एक एथलीट पैसे के लिए खेलता ना, ये 8 लाख रुपए वो एक कॉन्टेस्ट में लगा देता है। एथलीट खेलता है अपने मेडल के लिए, अपने फेम के लिए, उसको एक कॉन्टेस्ट का नशा होता है, एक स्टेज के लिए। आप लोगों से प्यार ही इतना है, आपके लिए जगह छोड़ दी, जाओ 9 लाख रुपए जीतो, इसलिए हम आए नहीं, आपके लिए जगह बनाने के लिए, आपसे प्यार ही इतना है। तो ये तुम्हारी है तुच्छी सी हरकत है, ये जो आप बोल रहे हो कि पैसा मैंने दे दिया, तुम लोग कुछ भी नहीं हो इन एथलीट्स के आगे। तो गाइज आप इन लोगों ये वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या ये इनका कहना ठीक था।